सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज 10वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 25। ये रिकॉर्ड फाइल जिसमें हम रखते हैं रिकॉर्ड की फाइलें जो हमारी होती है उसके अलमारी की ये स्केल है। तो इसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 42 सेंटीमीटर और हाइट है 80 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है इसलिए हमने इसकी कागज बाट लेंथ की साइड कर रखी है। तो इसमें जो हमने कार्य किया है उसमें फुट्टा जो हमने यूज किया है वो हमें कहा गया है 2.15 सेंटीमीटर। तो ये आप देख रहे हैं 2.15 सेंटीमीटर का हमने इसमें स्केल कार्ड यूज किया है। तो हम कार्य शुरू करते हैं और एलिवेशन से हमने कार्य शुरू करना है। तो एलिवेशन में आप देखेंगे कि नीचे इसमें पाए लगे हुए हैं और वो पाए है 12 सेंटीमीटर तक लंबे है और उसके ऊपर एक फट्टी लगी हुई है 2 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हमने वही पाए लेने हैं, हमने 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेना है, ये 15, 14, 13, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने ये 12 सेंटीमीटर काटना है, उसके बाद हमने काटना है 2 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं आपको स्केल ड्राइंग जो आपकी स्केल बनी हुई है उसमें आप देख रहेंगे आपको लाल तीर दिख रहा होगा, एरो का निशान आपको दिख रहा होगा। एरो के निशान से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर और कौन सी आपकी 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है। इस तरह से हमने इसको मिला देना है, छोटा छोटा है तो मैं इसमें बड़ा फुटा ले लेता हूँ। इस तरह से ये हमारा है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर के बाद हमारा है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने ये 12 सेंटीमीटर की लाइन है, उसके बाद हमारा है 2 सेंटीमीटर। या एरो के निशान से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे एरो लगा हुआ, रेड कलर के एरो आप देख रहे होंगे जो आपको स्केल जो मैंने फोटो खींच के लगा रखी है बुक में जो आपकी स्केल दी हुई उसके हिसाब से इस तरह देख सकते हैं। अब इसमें पाया लगे हुए हैं और पाया जो हमारा है वो 5x5 का है। तो हमने पहले 2 पाए लगाने हैं 5x5 के, ये आपके पाए है और ये यहाँ तक ही है, इससे ऊपर ये पाए हमारे नहीं है। तो हमने इस तरह से इसमें 5 सेंटीमीटर का निशान लगाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये पाए हम यहाँ बना देंगे। इसमें हम कोशिश करते हैं कि रबड़ का प्रयोग कम से कम हो, इसलिए हम वही लाइनें पहले लेंगे जो हमें यूज होनी है। इस तरह से इसके बाद यहाँ पे एक फट्टी लगी हुई है वो है 6 सेंटीमीटर की। आप एरो देख रहे हैं, एरो भी देखते रहिए कि कहाँ कहाँ से हमें ये लगानी फट्टी है। वैसे तो आपको कार्य आता है, ये 5 और 1, 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 और 1, 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने ये लगानी है लाइनें। ये अंदर जो है पाए के अंदर ये डॉटेड डार्क आएगी और बाहर जो है ये हमारी डॉटेड आनी है यहाँ पे। इस तरह से 2 सेंटीमीटर की आएगी, मैं आप बाद में आपको बताऊंगा 2 सेंटीमीटर हम बाद में नापते हैं। इसके बाद यहाँ पे फट्टी लगी हुई है 2 सेंटीमीटर की, एक फट्टी लगी हुई है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ये फट्टी पूरी ऊपर तक नहीं है पर फिर भी 2 सेंटीमीटर की फट्टी है ये। इसके बाद ये जो फट्टी है 33 सेंटीमीटर इसके बाद, तो हम पहले ये फट्टी लगा देते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की। सिर्फ हमने ये नापना है अभी यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर। हमने अभी इधर को इसमें एक फट्टी लगी हुई है ऊपर से 60 सेंटीमीटर लंबी है, ये 2 सेंटीमीटर की फट्टी है। ये आप देखिए यहाँ से ये है 2 सेंटीमीटर की फट्टी और इसकी लेंथ हमारी है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने ये 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक हमने ये लगानी है फट्टी। तो यहाँ पे हम इसमें 2 सेंटीमीटर का निशान लगा देते हैं। देख सकते हैं
यहाँ तक ये हमारी आनी है इस तरह से। अब हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं। इतना हमारा ये 60 सेंटीमीटर आना है और इसके बाद अब हम भी इसको नीचे नहीं मिलाएंगे, इतने ही रखेंगे। इसमें मैं बताऊंगा इसको हम क्यों नीचे अभी नहीं मिला रहे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर लिया था, तो ये हमने यहाँ पे अब 2 सेंटीमीटर का निशान इसमें लगाना है, क्योंकि ये जो 2 सेंटीमीटर इससे नीचे है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम 2 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे। इस तरह से तो ये हमारी लाइन, ये भी हमारी डार्क आ जाएगी ये लाइन, और इसके बाद यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा डार्क आ जाएगा। ये जो हमारा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आना है, ये हम यहाँ पे नाप लेते हैं, हमारा 33 सेंटीमीटर तक आना है यहाँ से, यहाँ पे ये आपका 30, 31, 32 और 33 यहाँ तक ये हमारा आना है। तो हम यहीं तक इसको लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा 33 सेंटीमीटर है, इतना यहाँ पे इतनी ही लाइन हमारी आनी है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि रबड़ का प्रयोग कम करें, इसलिए मैं इस तरह की लाइनें लगाता हूँ। इसके बाद यहाँ से ऊपर एक फट्टी लगी हुई है 11 सेंटीमीटर, तो वो लगा लेते हैं 11 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से 11 सेंटीमीटर काटते हैं हम यहाँ से, ये 10 और 1 11, और 11 के बाद हमारा है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से ग्यारह के बाद 2 सेंटीमीटर, तो ये लगा लेते हैं यहाँ से। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। अब हमने यहाँ पे ऊपर हमने एक फट्टी लगा रखी है ये 60 सेंटीमीटर की। अब हम इसको यहाँ पे मिलाते हैं 60 सेंटीमीटर को। यहाँ से बाहर से है ये 60 सेंटीमीटर, आपने ध्यान रखना है ये 60 सेंटीमीटर बाहर से, अंदर से नहीं है, यहाँ से है, बाहर से है। तो हम यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमारा है 2 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर भी निकाल देंगे यहाँ से, 2 सेंटीमीटर। अब हम इसको मिलाएंगे यहाँ पे 60 सेंटीमीटर को, और इसके बीच में ही फट्टी नहीं है, इसलिए मैंने उसको उस वक्त रोक लिया था। ये सिर्फ यहाँ तक है और यहाँ के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से है, बीच में ये नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ बीच में लाइन मिट जाती है, इसलिए मैंने पहले ही नहीं लगाई। इस तरह से मैंने पहले ही काम इस तरह से किया है ये। और अब हमने क्या करना है, इसके बाद यहाँ से 27 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ से 27 सेंटीमीटर काटना है यहाँ से। ये आपका 15, 20, 20 और ये आपका है 25, 26, 27 के बाद 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी इसी तरह से आएगा ये 27 के बाद 2 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं इस तरह से इतना हमारा बन गया है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा है 33 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हमने ये 33 सेंटीमीटर लेना है यहाँ से, 31, 32, 33 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम निशान लगा देते हैं इस तरह से, और अब हम इसको मिला देते हैं ये लाइन, इस तरह से हमारी आ जाएगी। और आप देख सकते हैं हमें रबड़ का प्रयोग बहुत कम करना पड़ा। आप देख रहे हैं हमने इसी तरह से इसका ग्राफिंग की, पहले ही हमने इस हिसाब से इसके नाप लिए ताकि हमें रबड़ का प्रयोग कम करना पड़े। ये हमारी लाइन है, ये हमने मिटा देनी है यहाँ से
क्योंकि सफाई के हमें अलग से मार्क्स मिलने हैं, तो सफाई के मार्क्स हमें तभी मिलेंगे जब हम रबड़ का प्रयोग कम करेंगे और स्केल ड्राइंग में गंद कम डालेंगे, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे ये हमने अब लाइन हमने डार्क कर देनी है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा रखी है, इसके सीध में हमने यहाँ पे ये डॉटेड हमने 2 सेंटीमीटर का लगाना है। यहाँ पे भी हमने ये डॉटेड 2 सेंटीमीटर का लगाना है, अलग से नापने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऊपर भी हमने लगा रखा था। अब यहाँ पे हैंडल बना हुआ है इसको खोलने का, क्योंकि अलमारी है, इसको खोलने का हैंडल है, और वो हैंडल है ऊपर से हमारा, यदि आप देखें तो 20 सेंटीमीटर, 20 के बाद तो यह है अंदर से, यहाँ से 20 है, अगर पीछे से लेंगे तो 22 है, तो हम अंदर से ही ले लेते हैं। यहाँ से ये 15 और 5 20, 20 सेंटीमीटर है, 20 के बाद ये हमारी है 6 सेंटीमीटर लंबी है, हैंडल जो है हमारे डंडीज की है, ये 6 सेंटीमीटर लंबी है यहाँ से इस तरह से। अब ये यहाँ से अंदर जो है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर है, उसके बाद है 2 सेंटीमीटर इस तरह से, ऊपर भी हम इसी तरह से यहाँ से 2 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर लगाएंगे, और इसको हम मिला देते हैं इस तरह से। ये आपकी जो है वो डंडी बन गई, ये हैंडल आपका बन गया है, हैंडल की डंडी हमारी है जिसको खींच के हम इस अलमारी को खोल सकते हैं इस तरह से। अब जो है आपकी एलिवेशन बन के तैयार होगी। इतना ही कार्य हमारा एलिवेशन में था, बड़े सफाई से हमारी एलिवेशन बन गई, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने भी सफाई से कार्य करना है। अब हमने बनानी है इसकी साइड, तो साइड बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने पहले ही इसकी जो ब्रेड है वो 42 सेंटीमीटर ले रखी, क्यों, क्योंकि जो 2 सेंटीमीटर हमारा हैंडल है वो भी हमने इंक्लूड किया है, नहीं तो हम 40 सेंटीमीटर भी रख सकते थे, हमने 42 ले रखी है। मैं आपको एक नाप के दिखा देता हूँ, देखिए 40 42, तो यहाँ से हमने क्या करना है। अब सबसे पहले इसमें क्या कार्य हमारा है, ऊपर 2 सेंटीमीटर की ये जो हमारी है 2 सेंटीमीटर की फट्टी इसमें ऊपर लगी हुई है, वो हम लगा लेते हैं। ऊपर से करो चाहे नीचे से कार्य करो, आप कहीं से भी कर सकते हैं शुरू। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर की फट्टी है, हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नाप लिया है, और हमने इसको मिलाना है इसके साथ एलिवेशन वाली लाइन के साथ। यहाँ से पहले हम वो कार्य करेंगे जो हमें डार्क लाइनें दिख रही है इस तरह से। सबसे पहले ये हमें ऊपर डार्क लाइन दिख रही है, और नीचे से हमने यहाँ से 2 सेंटीमीटर अभी घटाना है क्योंकि इसमें डंडी लगी हुई है 2 सेंटीमीटर की, तो हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर को कम कर देते हैं इस तरह से। ऊपर भी हम इसको 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे ये लाइन हम लगा देते हैं यहाँ पे, और ये लाइन हमारी पूरी ऊपर तक जाएगी यहाँ तक, क्योंकि ऊपर से सब मिट जाना है इसमें। अब हमने इसमें लगाने हैं सबसे पहले जो ये फट्टी है, ये हमने लगानी है यहाँ पे। ये हमारी फट्टी आई थी 12 सेंटीमीटर के बाद, तो हमने यहाँ से 12 के बाद 2 सेंटीमीटर काटना है, 10 11 12, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, और उसके बाद हमारा है 2 सेंटीमीटर, तो हमने इसको अभी मिलाना है इसके साथ ये आप देख सकते हैं। इस तरह से अब हमने लगाना है इसमें पाए 5x5 के, ऊपर भी हम निशान लगा देंगे 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे भी लगा देंगे, और यहाँ पे भी लगा देंगे, इसको मिला देते हैं इस तरह से। अब हमारी यहाँ जो ये फट्टी हमारी है 6 सेंटीमीटर की, वो हम लगा देते हैं यहाँ पे, ये 6 सेंटीमीटर है, और हम यहाँ इसको मिला देते इसके साथ
इस तरह से देख सकता है। और इसके बाद जो है अंदर को डॉटेड हमारी ऊपर फट्टिया है, अब इसके ऊपर डॉटेड फट्टिया है, सिर्फ एक ही फट्टी हमारी, ये वाली जो फट्टी हमारी 33 वाली है ये हमारी है डार्क, तो हम इसको लगा लेते हैं पहले, फिर हमारी सारी डॉटेड आनी है। तो ये हमारा है 31 है, 31 32 33, ये हमारा 33 है। तो यहाँ पे इसको लगा लेते हैं और यहाँ पे इसको मिला लेते हैं इस तरह से। ये हमारी फट्टी डार्क आ रही है पीछे तक इस तरह से। और उसके बाद डार्क जो हमारा कार्य है वो हमारी अब है ये वाला हैंडल, बाकी हमारा सब डॉटेड है। तो ये हैंडल पहले हम लगा लेते हैं यहाँ से। तो ये ऊपर से हमारा हैंडल है 20 के बाद, तो अंदर से हम अगर हम अंदर से ले रहे तो 20 है, अगर बाहर से ले रहे तो 22 है, तो हम अंदर से लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, 20 के बाद हमारा है 6 सेंटीमीटर इस तरह से। तो इस तरह से ये हैंडल लगा लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से देख सकते हैं। अब ये फालतू लाइन हमारी है इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, पहले आपने इतनी हल्की लाइनें लगानी है कि आप जब भी मिटाएंगे तो शीट आपकी काली ना हो बिल्कुल भी, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं अब हमने ये हैंडल हमारा लगा दिया है, इसी में ही आ गया है हमारा ये, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा जो था वो डार्क कार्य था, अब हमारा जो कार्य है वो डॉटेड है। तो हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की इसमें लाइनें लगानी है यहाँ से, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये ऊपर तक ये हमारी 2-2 सेंटीमीटर की लाइनें लगनी है, अभी सारा कार्य हमारा डॉटेड है। ये आप देख सकते हैं, अब ये जो हमारी लाइन है ये भी हमारी डॉटेड आनी है, ये 11 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से हमने 11 सेंटीमीटर के बाद हमने लगाना है 2 सेंटीमीटर इस तरह से। ये हमारा डॉटेड आएगा यहाँ पे, इन फट्टियों के अंदर ही ये डॉटेड आएगा, 2 सेंटीमीटर जो हमारी फट्टी लगेगी ये इस तरह से, आप देख सकते हैं सिर्फ इसी के अंदर हमारी ये आनी है इस तरह से। वो हमारी साइड जो है वो बन के तैयार होगी, सिर्फ बचा इसमें है यहाँ पे ये नीचे जो हमने 2 सेंटीमीटर लगाना था यहाँ पे डॉटेड, ये इतना सा हमारा कार्य इसमें बच गया था, ये हमारा कार्य बच गया था, ये हमने कर दिया है। और इस तरह से अब हमारी साइड भी अच्छे से बन के तैयार हो गई है, आपने भी इसी तरह से बनानी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन लेंगे साइड के यहाँ पे, तो हमने प्रोजेक्शन लेने हैं यहाँ पे इस तरह से। जितने भी हमने साइड में हमारी खड़ी फट्टियाँ हैं इसके सबके प्रोजेक्शन आते हैं प्रोजेक्शन में
और वही प्रोजेक्शन हम आगे इनको ले जाएंगे इस तरह से। और अब हमने निशान लगाना है इनका प्लान के लिए, यहां से ये निशान लगा देंगे और यहां पे भी। इस तरह से उसके बाद नीचे से ये हमारा छूट जाएगा क्योंकि इसमें 2 सेंटीमीटर जो है वो बाहर को इसकी डंडी है जो खोलने के लिए हमने लगा रखी थी, और ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये हमारा है 2 और 2 4 सेंटीमीटर इस तरह से। तो हम सबसे पहले ये नीचे हम लाइन लगा देते हैं, हमारा 2 सेंटीमीटर जो बाहर को छूटना है ये इस तरह से। हम यहाँ पे सीधी लाइन लगा देंगे, ये हमने लाइन लगा दी। अब निचली लाइन हमारी मिट जाएगी, उसके लिए हमने जो ये 60 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी ये हम लाइन लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ से अब यहाँ तक ये हमारी डार्क लाइन आनी है। उसके बाद हमने ये जो आपका है 2 सेंटीमीटर का है जो डंडी है ये हमारी नीचे लाइन आनी है 2x2 की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा 2x2 आ गया है यहाँ पे। तो हमने ये लाइन जो निचली लाइन है ये हम मिटा सकते हैं यहाँ से, ये लाइन आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ से मिटा दी है क्योंकि हमने ब्रेथ जो इसकी वो 42 सेंटीमीटर ले रखी थी, एक्चुअल में इसकी जो ब्रेथ है वो है 40 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर का जो हमारा हैंडल है ये हमने इंक्लूड किया था इसमें, इसी के साथ हमने लिया था। तो अब हमने क्या करना है, ये लाइन हम दोबारा से इसको थोड़ी डार्क लगा लेते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं ये हमारी इस तरह से अब बन गई है। इसके बाद हमने इसमें जो है इसके जो पाए हैं वो हमारे डॉटेड आन है चारों साइड, फिर भी हमारे पास जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे इसमें डार्क लाइनें हमारी आनी है वो हम पहले लगा लेते हैं इसमें। सबसे पहले ये लाइन हमारी जो है 2 सेंटीमीटर की ये हमारी डार्क आनी है, यहाँ से आगे तक आएगी इस तरह से डार्क आएगी, और उसके बाद ये जो हमारी 2 सेंटीमीटर की लाइन है ये हमारी इसमें डार्क आनी है यहां से, ये हमारी यहां तक की हमारी जो है डार्क लाइन आनी है आगे से, और यहां पे अब इसमें डार्क लाइन नहीं है। अब इसमें पाए हमारे आने हैं वो डॉटेड पाए हमारे आने हैं, हम पाए बना लेते हैं इसमें। तो यहां से ये हमारा पाया है, इसके हम यहाँ पे डॉटेड ले लेते हैं पायों के लिए चारों साइड पहले, यहां से। और अब हमने इधर को भी इसके डॉटेड लगाने हैं ये हम बना देंगे इस तरह से, ये 5x5 के यहाँ देख सकते हैं 5x5 के हमारे पाए डॉटेड आ चुके हैं। इसके अंदर हमने यहाँ से डॉटेड लाइन लगानी है, तो हम ये लाइन अब आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से। ये जो हमारी डॉटेड लाइन आएगी ये पूरी पीछे तक हमारी आनी है यहाँ से, यहाँ तक हमारी ये डॉटेड लाइन आनी है। और इधर को ये जो डॉटेड लाइन हमारी आएगी ये इस लाइन से आगे आगे तक इस तरह आएगी, यहाँ पे हमने ये लगा रखी है, और यहाँ पे भी यहाँ पे ये हमारी डॉटेड आनी है लाइन
दो सेंटीमीटर की। उसके बाद ये जो हमारी लाइन है ये हमारे यहाँ पे डॉटेड आनी है। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी डॉटेड जो हमारा कार्य था। अब इसमें बचती है फ्रंट लाइन, यहाँ पे भी इसमें एक लाइन है डॉटेड आनी है यहाँ पे। ये भी हम डॉटेड लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे दो सेंटीमीटर की। ये हमने निशान इसके ले रखे हैं यहाँ पे, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं डॉटेड लाइन। यहाँ तक आनी है आगे पाए से अंदर, यहाँ पे यहाँ तक पाए से यहाँ तक अंदर तक ये आनी है हमारी इस तरह से। ये हमारी जो प्लान है अभी ये हमारा बन के तैयार हो गया। इतना ही कार्य हमारा प्लान में इसमें था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें बचता है हमारा स्केल कार्ड, तो आपने स्केल कार्ड यहाँ पे बना देना है। इसमें यहाँ पे स्केल नंबर इसमें हमने यूज किया है 2.15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपने जो है वो स्केल इसका जो है वो आपने इसमें यहाँ पे बना देना है। इसके दो नंबर अलग से आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपका कार्य ये स्केल का कंप्लीट हो चुका है। 25 नंबर स्केल थी ये हमारी पूरी हो चुकी। इसी तरह से आपने भी इसको सफाई से बनाना।